हेलो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर के एल उमा महेश्वर बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ बड़ेलिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में। तो ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ये अनोखों में अनोखा केस है। चार प्रकार की अनोखी चीज़ें इसमें हुई हैं। 16 साल की बच्ची जो उम्र हार्ट अटैक की नहीं होती है उस बच्ची में हार्ट अटैक आया था और ये हार्ट अटैक की वजह बच्ची की छत से गिरने की वजह से थी। बच्ची छत से गिरी सीने के बल और प्रेशर के कारण राइट साइड की हार्ट की नस फट गई थी, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया था। यूजुअली हार्ट अटैक आने के बाद भी हार्ट का हिस्सा पंप करता है, अच्छे से पंप करता है, बट छेद होना अस्वाभाविक है। बट इस बच्चे में हार्ट अटैक के साथ हार्ट अटैक के क्योंकि 4 दिन तक हार्ट अटैक में रही है और वहाँ के खून की नसें बिल्कुल खून सप्लाई नहीं हो रही थी, तो वहाँ का एक हिस्सा फट के 3 तरीके के छेद हो गए थे उसके हार्ट के निचले हिस्से में। उस छेद की वजह से उसको काफ़ी सांसें फूलने की तकलीफ ये सब चीज़ें हो रही थी। तो 16 साल की उम्र में छत से गिरना, हार्ट अटैक आना, हार्ट अटैक के बाद हार्ट में 3-3 छेद हो जाना, ये सब अनोखी चीज़ें हैं। मतलब हमने अपने 14 साल के करियर में पहली बार इस तरीके का केस हैंडल कर रहे हैं और हार्ट अटैक की स्थिति से हमने काफ़ी प्रयत्न करके उसको बचा तो लिया, बट क्योंकि छेद का भी हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना था। ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी क्योंकि काफ़ी रिस्की होती इस पर्टिकुलर छेद, तीनों छेद बंद करने के दौरान, तो हमने इसको छल्ले द्वारा एंजियोग्राफी मेथड से करने का निर्णय लिया पूरी हार्ट टीम ने और हॉस्पिटल ने। और यूजुअली बच्चों में जो भी छेद होता है, एक छेद होता है या 2 छेद होते हैं, तो वो एक छल्ले से बंद हो जाता है, बट क्योंकि इसको 3-3 छेद थे और इसकी लाइफ आगे की ज़िंदगी काफ़ी बड़ी थी, तो हमने डिसाइड किया कि 2 लगे या 3 लगे हमें इसको पूरी तरीके से बंद करना है और बच्चे को पूरी तरीके से राहत देना। तो इस ये जो 3 छेद थे हमने 2 छल्ले डाल के इसको पूरा बंद किया है। बच्चे अब स्वस्थ है, 3 दिन के अंदर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि बच्चे को सांस फूलने की तकलीफ नहीं रहेगी और वो अपना एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकती है जैसे आपका और मेरा जीवन है, शादी, बच्चे, एक लाइफ उसकी नॉर्मल ही रहने वाली है। सर चार रोल रेडी जी सर, फिर से एक बार मेट्रो हॉस्पिटल ने इतिहास रचा है, बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी सफल ऑपरेशन किया गया। जब बच्ची अस्पताल में आई डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, काफ़ी सारी परेशानी थी, सब कुछ था, डॉक्टर साहब से डिस्कस हुआ, डॉक्टर के एल उमा महेश्वर ने एग्जामिन किया, फिर बताया रेयर केस है, या तो इसको हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा या अगर अपन प्लानिंग करें तो यहाँ भी कर सकते हैं। डिस्कशन के बाद ये निर्णय हुआ कि हम चूँकि बच्ची की हालत गड़बड़ है बाहर भेजेंगे तो और ज़्यादा हालत बिगड़ने का डर रहेगा, इस वजह से फिर निर्णय लिया गया कि इस ऑपरेशन को यहीं परफॉर्म किया जाएगा। बड़ेलिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से हमारे सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई कि उन्होंने बच्ची के जीवन को बचा लिया, बच्ची अब पूर्णतः स्वस्थ है और इस तरीके का ऑपरेशन रेयर ऑपरेशन है जो मध्य प्रदेश और इंडिया में लगभग पहली बार हुआ है ऐसा रिपोर्टेड है। सर बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, स्वाभाविक है इसमें डिसीजन लेने में भी बहुत सोचना पड़ा क्योंकि बच्ची का जीवन बचाना था, जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, डॉक्टर साहब का कहना था परमिशन दीजिए हम पूरा अपना प्रयास करेंगे और बच्ची को बचा लेंगे, डॉक्टर साहब के कॉन्फिडेंस पे हम लोगों का कॉन्फिडेंस था और वैसा ही हुआ। सर पूरा ऑपरेशन सर कितने लोगों की टीम इस काल में, इसमें 5-7 डॉक्टरों की टीम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सभी ने मिलकर सामूहिक प्रयास है। ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।